ठीक है, 3 रुपए का वो पेन कंपनी में बनता है, आप तक पहुंचते पहुंचते उसकी कीमत 10 रुपए हो जाती है। ठीक है, अब जो प्रोडक्ट वहां से निकलता है वो बड़े बड़े वेंडर्स के पास जाता है, स्टॉकिस्ट उसको रखते हैं, रिटेलर तक आते आते वो 6 रुपए निकल चुका होता है उसका कमाई का, रिटेलर भी 2-3 रुपए कमाता है उसपे, यानी कि टोटल 7 रुपए बीच वाले खा जाते हैं, कहां से, प्रोडक्शन से लेके कस्टमर तक। क्लियर हो रहा है? मतलब ये कंपनी हो गई जहां प्रोडक्ट बन रहा है, और ये हो गया कौन, यूजर। इसके बीच का जो सफर है वो 7 रुपए का है, 70% जो पैसा है वो इसमें बट जाता है, वो लिमिटेड लोगों को मिलता है। जैसे मान लीजिए लक्स साबुन है, दुकानों पे मिलता है, कोई भी ब्रांड जो दुकानों पे मिलता है उसका एक ब्रांड एम्बेसडर होता है। अगर लक्स साबुन है तो कोई फीमेल होगी, कोई क्रीम है तो कोई फीमेल हीरोइन होगी। जैसे गुटका है तो कौन सा एक है जिसका ये करते हैं, शाहरुख खान है और उसमें अजय देवगन है, अक्षय कुमार है, बोलो जुबा केसरी, करोड़ों में कमाते हैं वो उसका एडवर्टाइजमेंट का। तो वो पैसा आता कहां से है? वो जो कीमत होगी उसकी होगी 2 रुपए की, 1 रुपए की प्रोडक्शन में, लेकिन वो बिकता है 5 रुपए का, 6 रुपए का, 10 रुपए का। तो ये जो बीच का 7 रुपए, ये मार्जिन मिलता है उनको जो इसका स्टॉक परचेज कर लेते हैं। सुगन्ने भी चाहे तो अपना, लेकिन अगर लेने लगेगी तो फिर आप में से किसी को नहीं मिलेगा। क्लियर हो रहा है? ना आपको कंपनी नहीं देगी 100 रुपए, ना आपको 260 रुपए देगी उस पर लेवल इनकम रिवॉर्ड, कुछ नहीं देगी। दुकान जैसे आप जो सैनिटरी पैड मार्केट से खरीद के लाते हैं उसमें आपको क्या मिलता है? सिर्फ पैड ही तो मिलता है यार। प्रणाम मैम। प्रणाम मैम। अब अगर आप किसी को देते हैं तो आपको क्या मिलता है? कुछ नहीं, सिर्फ सहानुभूति कि भैया तुम भी पैड यूज करो, मैं यूज करती हूँ, फायदा है। लेकिन अभी आप लोग इस टाइम सुकन्या केयर सैनिटरी पैड के ब्रांड एम्बेसडर हैं, आप ही एडवर्टाइजमेंट करते हैं, आप ही सेल्स करते हैं, आप ही बेच रहे होते हैं, आप ही